पहले माँ बाप जिम में जाने नहीं देते थे इनके पेरेंट्स भी बोलते थे अरे छोटा हो जाएगा अरे तेरा कद ना बढ़ा उत मत भेजियो बैठक मत मारनी है? वजन नहीं ठाना घर के बोलिया करते ना देसी में में गांव अरे जा है रहा। न्यू रहा वजन ठा होगा अब ये एक बड़ी मिथ है जब आप फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही क्योंकि वो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं माइंड शैतान हो जाता है फाइट करते हैं वीडियो गेम देखते हैं उस पर फाइट करते हैं और प्रतिद्वंदिता शुरू होगी मैंने ये बना लिया वो आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भेजो जब भी आप उनकी हाइट नहीं बढ़ रही मैक्सिमम पेरेंट्स का ही है जी ओबिसिटी ये इसको फैट बढ़ गया है इसको खाना नहीं पच रहा भाई वो बैठे बैठे खाता रहेगा टीवी देखता रहेगा तो क्या करेगा आप उसको पंद्रह से चौदह से पंद्रह साल में अगर आप जिम में ले जा सकते हो तो ग्राउंड में भेजो पीटी कराओ जैसे ही वो सोलह सत्रह साल का हो फिर उसको जिम में भेजो जितनी वो एक्सरसाइज करेगा उसके हार्ट वगैरह सब चीजें उसकी बाजू मजबूत होंगी लेग्स मजबूत होंगी और ग्रोथ होगा उसके बाद वो अच्छा खाना खाएगा खाना खाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी पहले बच्चों को भूखी नहीं लगता जिन बच्चों को दूध नहीं पचता उनकी ग्रोथ क्या होगी बताओ आप मुझे उनका फ्यूचर क्या है ये आज नहीं पता लग रहा आगे जाके देखना और दस साल बाद बताऊंगा जिन बच्चों को आज खाना नहीं पचता उनके दस साल के बाद भविष्य क्या है ये लोग चालीस बयालीस साल में अभी तक बादाम भी खा रहे हैं दूध भी पी रहे हैं रोज़ खाते हैं रोज़ वर्जिश भी करते हैं आपके सामने ही है टचवुड ऊपर वाले की कृपा है क्योंकि सिस्टम ऐसे बना है